अस्सलाम वालेकुम, आइए वेबसाइट देखते हैं। इस वेबसाइट का नाम है हाउ रिच एम आई, फाइंड आउट हाउ रिच यू आर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर यू ऑन दी ग्लोबल रिच लिस्ट और नॉट। यहाँ से आप अपना मुल्क सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ से आप आमदनी सेलेक्ट कर लें। तो मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं जी हम 50,000 महीना कमाते हैं तो हमारी आमदनी सालाना 6 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ। एक बंदे हैं आप, एडल्ट हैं, बच्चे अच्छे आपके कोई नहीं मिसाल के तौर पर। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ 6 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो दुनिया के 9.1% रिचेस्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि दुनिया के टोटल टॉप 10 में आप आते हैं। आपकी जो आमदनी है वो ग्लोबल मीडियन से 7 गुना ज़्यादा है, 7.3 गुना ज़्यादा है। अगर आप जो कमाते हैं उसका 10% आप डोनेट कर दें तो ये बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप 554 लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप कितनों को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं और मलेरिया से कितने लोगों को बचा सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ, सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आइए और यहाँ पर कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे आप डेटा साइंटिस्ट लग जाते हैं और आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपकी आमदनी 60,000 के बदले 60 लाख रुपए हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करके हम देखते हैं अगर आप 6 मिलियन कमाते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, तो आप टोटल 1% में आ जाएंगे। अब ये डेटा साइंस से इसकी आप वैल्यू देखिए, जो ये कोर्स कर रहे हैं अगर आप सही से कर लेते हैं तो दुनिया के टोटल 1% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है आपका शुमार उसके अंदर हो जाएगा और आपका इम्पैक्ट देखें आप कितने लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें अब आप जो भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाह रहे हैं, ब्लॉकचेन में करना चाह रहे हैं, डेटा साइंस में करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर करना चाह रहे हैं, या दो फील्ड को आपस में इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप दो फील्ड को आपस में इन्फ्यूज़ कर देते हैं फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज बंदे ऐसे मौजूद नहीं होते। कितने बंदे ऐसे होंगे जिनको डेटा साइंस भी आती है और साइबर सिक्योरिटी भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आती हो और ब्लॉकचेन भी, डेवऑप्स भी आती हो और डिजिटल मार्केटिंग भी। तो ये 60 लाख रुपए साल के कमाना, 5 लाख रुपए महीना, ये बिल्कुल मजाक है डेटा साइंटिस्ट के लिए। आप केगल के ऊपर जाएं, केगल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। दुनिया में जो केगल मास्टर्स हैं, जो भी 1500 केगल मास्टर्स हैं, उनमें शायद ही आपको कोई बंदा ऐसा मिले जो $500,000 से कम कमा रहा हो। पाकिस्तान में 5 लाख रुपए तो अफिनिटी वाले अच्छी जो कंपनीज़ हैं, बैंक मैनेजर वो दे देते हैं। बैंक इस्लामी है, बैंक अलबरका है, आपको पता है अभी वीपी की तनख्वाह क्या होती है, प्रेजिडेंसी तनख्वाह क्या होती है, 99 लाख रुपए पर मंथ, एक महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, 90 लाख रुपए। टेलीनूर में, जास केश के अंदर 70-80 लाख रुपए तनख्वाह, बहुत मामूली बात है इस लेवल के लोगों के लिए। तो आप अगर 5 लाख भी कमाते हैं तो आप टॉप 1% में पहुंच जाएंगे। अगर आप ये 90-90 लाख की तनख्वाह लेने लग जाएं तो सोचें कहाँ पहुंचेंगे, और अगर $500,000 कमाने लगें तो शायद आप दुनिया के अमीर तरीन में 0.01% में पहुंच जाएंगे। ये डेटा साइंस का पोटेंशियल है, इसीलिए इसमें मेहनत करनी है। आप साल लगा के लोगो डिज़ाइनिंग सीखते हैं, आप साल लगा के वर्डप्रेस सीखते हैं, इस तरह की कोई स्किल सीखते हैं तो उससे आप 50,000 लाख 2 लाख रुपये कमाएंगे। डेटा साइंस में तो लिमिट कोई नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए, असाइनमेंट ज़रूर कीजिए। असाइनमेंट के ऊपर आगे मज़ीद तफसील से बात करते हैं।